गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों मुझे काफी सारे भाइयों की डिमांड आ रही थी, डिमांड मतलब यार काफी सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपके सेटअप के सारे पेट्स फिश वगैरह भाई सारे कवर करो, ठीक है। तो भाई मैं आज वही वीडियो आज हम बढ़ाने वाले हैं, मतलब हमारे पेट्स कौन से टैंक में क्या है, कौन से केज में क्या है और कहाँ पे क्या चीज़ रखी कि भाई हमें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो भाई वही हम आज पूरे सेटअप कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम हमारा फिश रूम कवर करेंगे, उसके बाद हम हमारा जो बिग बॉस केज है वो कवर करेंगे, फिर हम हमारे टेरेस पे जाएंगे और हम वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई सबसे पहले मैं हमारे पोलर पैरेट्स के पैरेट से स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे है बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा मेल पोलर पैरेट जो कि उनके बेबीज के साथ है। ये देखो इनके छोटे छोटे बेबीज है, ये हमारा मेल पोलर पैरेट है। और यहाँ पे है हमारी कलर वीडियो का टैंक सेटअप, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हमारे इधर डेजी फिश का सबसे अच्छा और क्लीन हमारा टैंक सेटअप है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है बाकी सारे टैंक के कंपेयर में। और यहाँ पे है नीचे हमारा फ्लोरम का टैंक सेटअप, ठीक है भाई। ये फ्लोरम को मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब बचाया है ठंडी से, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हो पुराने वाले। तो ये है हमारा फ्लोरम का टैंक सेटअप। और बिल्कुल साइड में है हमारे पोलर पैरेट्स का जो कम्युनिटी टैंक सेटअप है, जो कि बहुत सारे भाइयों की डिमांड थी कि भाई आप ये टैंक रखो, इसी की वजह से हमने ये टैंक रखा है। तो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना, ठीक है। तो ये हमारा कम्युनिटी टैंक हो गया। और ये है दोस्तों हमारे द डेजी फिश का मॉन्स्टर फिश टैंक, जो कि यहाँ पे हमारा बॉब रहता था, जो कि अभी मैंने उसको उस ऊपर शिफ्ट किया है हमारे दूसरे वाले ऑस्कर फिश के साथ, जो कि हमें हालांकि एक दो दिन पहले एक न्यू ऑस्कर फिश ऐड किया हमारे सेटअप में, तो वो दोनों यहाँ पे रह नहीं रहे थे साथ में, तो इसकी वजह से मैंने उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया था। तो ये है हमारे चार मॉन्स्टर बड़े बड़े एक्वेरियम शार्क फिश, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार, स्पेशली मेरे लिए बहुत अच्छे ये। और उसके नीचे है दोस्तों हमारे पोलर पैरेट का और एक पेयर, जो कि ब्लू पोलर पैरेट है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इनके बेबीज आपको पता है ऊपर शिफ्ट किए अभी। और यहाँ पे है हमारा एक वाइट और एक ब्लू पोलर पैरेट का पेयर, ये भी ब्रीडिंग पेयर है। और यहाँ पे कुछ हमारे टक्सेडो गप्पी जो कि मैंने मेरे दोस्त के पास दी थी, जो कि मैंने हम कल ही मैंने यहाँ पे ऐड किए, मैंने इसका अपडेट नहीं दिया, बहुत जल्दी इसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और यहाँ पे है दोस्तों हमारी स्नेक गप्पीज, देखो ये कितने ज़्यादा खूबसूरत है, ये हमारी सारी की सारी स्नेक गप्पीज हैं, जो कि यार बहुत जगह इनको बटरफ्लाई गप्पीज वगैरह भी बोलते हैं, और ठीक है। और यहाँ पे है हमारी गोल्डन फिश, जो कि द डेजी फिश का भाई पहले प्रोफाइल था हमारी, तो यार देखो यार ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली गोल्ड फिश है हमारी द डेजी फिश की। और यहाँ पे है हमारे गोरामी फिश, जो कि जायंट गोरामी करके आते, तो ये अभी बेबी है, इतने बड़े नहीं हुए भाई, ये देखो मेरे हाथ जितने बड़े हुए अभी, तो ये मैंने बहुत छोटे छोटे थे ना तब लाए थे। और यहाँ पे है हमारी फ्लोरम फीमेल, जो कि उसका मेल उधर है। और यहाँ पे है हमारे टर्टल्स, आपको तो पता ही है बहुत जल्दी टर्टल का भी सेटअप कर देंगे। ये है हमारा बैक यार्ड, मतलब बैक जो बालकनी होती है ये है। और यहाँ पे है सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा जो लिली है, मैंने इसको अभी अंडों पे बिठाया है, हालांकि मतलब अभी फ़िलहाल के लिए तो इसको भी यहाँ पे अंडों पे बिठाया है। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट आपको अपडेट आते रहेंगे भाई हमारे बड़े लॉग्स में। और यहाँ पे है दोस्तों हमारे पिजन्स का सेटअप, जो कि हमारे सारे के सारे पिजन्स है यहाँ पे, सारे के सारे यहाँ पे हमारे फैंसी पिजन है, और जो हाई फ्लायर्स वगैरह होते हैं वो हमने ऐड किए हुए हैं। और सारे पिजन्स हमारे बेबीज़ के साथ है, जो कि मुझे देखकर भी सारे के सारे शांत हो गए, भाई ऐसा क्यों आज बड़बड़ा रहा है। और यहाँ पे है दोस्तों हमारे स्नो और ब्लैकी, चल ब्लैकी ये देखो ये है हमारी ब्लैकी और वो है हमारा स्नो, ठीक है। और ऐसे जाकर हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे है हमारे गिनी पिग्स, ठीक है। इनके केज का काम चालू है, तो थोड़े दिन इनको यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है हमने, तो ये देखो ये है हमारे गिनी पिग्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। ऊपर का सेटअप हम कवर करने वाले हैं, तो चलो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं टेरेस पे। और टेरेस पे भाई आते ही यहाँ पे हमें एक बड़ा पौंड दिखेगा, ठीक है। बड़े पौंड में हमें रखे हैं भाई अभी फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे हमारे ऑस्कर फिश है, जो कि हमारा बॉब है, और बॉब के साथ और एक उसका दोस्त है। ये देखो भाई ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव हो गए अभी दोनों के दोनों, ये मुझे देखकर भाग जाते हैं भाई, क्यों भागते क्या पता। और यहाँ पे है दोस्तों हमारी बड़ी साइज की शकर फिश, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी साइज की, आपको पता होगा अगर आप हमारे डेली लॉग देखते होंगे तो। और यहाँ पे है हमारी सब मॉली शॉर्ट टेल और मॉली बलून मॉली शॉर्ट टेल्स और कौन सी और एक मिक्स कलर की शॉर्ट टेल फिश है, उसका नाम नहीं बताया मुझे। और यहाँ पे है हमारी डम्बू ईयर गप्पी फिश,
जो कि यार कहाँ गई यार, ये सारे के सारे नीचे अभी इनके जो बेबीज आपको देख सकते हो, यहाँ पे है हमारे डम्बू एयर गप्पी फिश और यहाँ पे है दोस्तों हमारे वाइट टक्सेडो गप्पी फिश, ठीक है। और इधर आते ही हमारे जो बर्ड सेटअप है वो हमारा लग जाता है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे 6 केज है, 6 केज में से हमारे 3 केज खाली और 2 ही केज हमारे भरे हुए हैं। सबसे पहले हम केज कवर करेंगे हमारे डव की। यहाँ पे है फैमिली, यहाँ पे हमारे डव की फैमिली में हमारा एक बेबी डव है और उसके ये मॉम डैड है, और यहाँ पे है हमारी बजिस फैमिली और यहाँ पे है हमारी बटर की फैमिली, ठीक है। और ये तीनों केज हमारे खाली है। और यहाँ पे आते हैं तो भाई यहाँ पे हमारे अदर डेजी फिश का स्टार, मतलब हमारा जो कॉपर है, हमारा एलिगेटर कार है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई। तो कहाँ गया मैं, चल कॉपर आ जा भाई, चल तेरी झलक दिखा दे भाई। ये देखो भाई, ये हमारा कॉपर आ गया। तो ये है भाई हमारा अदर डेजी फिश का किंग, ये भाई मेरा सबसे पहला फिश है, सबसे पहला नहीं बोल सकते यार, मतलब सबसे पहला तो मेरा अलग फिश था, जो कि मैं 1 मिलियन पे आपको वो सारा उसका ये बताऊंगा भाई मैं कैसे आया हूँ द डेजी फिश में। तो ये है दोस्तों हमारे द डेजी फिश का कॉपर, जो कि किंग है भाई, बहुत ही खतरनाक है भाई ये, ठीक है। तो चल भाई किंग। और उसके साथ छोटी छोटी फिशेज मैंने छोड़ी है, जो कि इसके साथ बड़े आराम से रहती है। और यहाँ पर आते ही हमारी है प्लैटी फिश, जो कि बैलून प्लैटी है। तो इन्होंने बहुत अच्छे हमें खुशखबरी दी, कि जो कि मैं आपको कल के वीडियो में इसकी खुशखबरी दिखाऊंगा। और यहाँ पे है दोस्तों हमारे सारे बेबी फिशेस, जो कि हमारे सेटअप के सारे पोलर पैरेट्स, हमारे मॉली फिश, जो कि शॉर्ट टेल्स वगैरह सारे बेबीज देते। तो मैं इस टंकी में, हमारे बेबी फिश की टंकी में, इनको मैं सारे बेबीज को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये साथ में बहुत अच्छे खेलते, मतलब देखो यार सारे के सारे बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल है, देख सकते हो। ये हमारे सारे बेबी फिशेस का टैंक सेटअप है। ये था दोस्तों आज के हमारे वीडियो का सारे पेट्स, हमारे सारे फिश वगैरह का अपडेट, ठीक है। और भाई हमारे पेट्स मतलब हमारे डॉग्स वगैरह, तो भाई वो हम सेटअप इसमें कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे सेटअप में डेली नहीं रहते हैं। और भाई अभी आपको मैं फिर से नीचे लेके जाता हूँ, और हमारे कॉकटेल का भी अपडेट देने का रह गया। ये है दोस्तों हमारे कॉकटेल, मतलब सॉरी, ये हमारे गिनी पिग का सेटअप रहने वाला है यहाँ पे, जो कि 1-2 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा। और यहाँ पे रहने वाले हैं हमारे हैमस्टर, ठीक है। और यहाँ पे है दोस्तों हमारे क्यूट से हमारे ये दोनों के दोनों, एक पेयर सॉरी, ये कॉकटेल का पेयर है, और यहाँ पे है एक कॉकटेल का पेयर, और एक ऐसे ही रखा है, ठीक है। तो ये बहुत जल्द उधर शिफ्ट होने वाले है ये दोस्तों। ये थी आज की हमारी वीडियो, और ये भी कवर कर लेते हैं यार। यहाँ पे हमने ना ये रखा है हमारे सारे पेट्स की जो एसेसरीज वगैरह होती है, मतलब जो भी उसका खान पान वगैरह, जितने भी मतलब कुछ भी ऑक्सीजन पंप, हीटर वगैरह जो भी होते हैं ना भाई, सारा का सारा सेटअप, मतलब सारे के सारे जो है ना भाई यहाँ पे हमने रखे, ठीक है। मतलब मेडिसिन हो, कोई भी हो, हमने सारे फिशेज के लिए रखा है, ठीक है। ये हमारा है भाई फिश का स्टोर रूम, देखो यहाँ पे हमने घी वगैरह रखे, यहाँ पे हमने मतलब हमारे पिजन्स के लिए कुछ खाने के लिए ऐसे सब यहाँ पे मैंने रखा है। और यहाँ पे है भाई इमरजेंसी के लिए, पेट्स के लिए टॉयलेट, मतलब हम कोई बिल्ली वगैरह हमारे सेटअप में ऐड भी होती है, और कोई डॉग वगैरह भी ऐड होता है, तो भाई उसके लिए टॉयलेट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी में तो कुछ नहीं यार, नीचे ही जाना होता है, तो नीचे आपको पता है यार घर वाले डॉग वगैरह तो वो नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है। दोस्तों आपको हमारे इधर डेजी पिट्स के सारे पेट्स वगैरह अच्छे लगे हो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करो यार, लाइक ही नहीं करते यार आप, लाइक करते जाओ यार, ठीक है ना। बड़ी मेहनत लगती है यार, पेट्स का मेंटेनेंस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है आपको पता है यार, ठीक है। दिन भर इनमें ही हमें ये करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी मेहनत से बनाई है यार, आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।